Assalamu alaikum and good morning from Naran. It's 6 o'clock right now. सहरी की है और नमाज़ पढ़ी है एंड अभी मैं बाहर आई थी टेरेस पे ये सुबह का व्यू देखने के लिए. रात को बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा तो अभी भी बादल हैं बट ये स्नो देखें फुली कवर्ड है अभी भी माउंटेंस. और आई होप यू कैन हेयर द वॉइस. ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पानी की आवाज़ आ रही है बट बहुत खूबसूरती है यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ में. और ये सारी क्रिएशंस अल्लाह की हैं, अल्लाह ही ये सब क्रिएट कर सकता है. गुड नून माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, इट्स 1 o'clock राइट नाउ और आई जस्ट वोक अप. तो देखिए क्लाउड्स कितने नीचे आए हुए हैं एंड इट इज़ स्टिल रेनिंग. तो अभी नमाज़ ज़ुहर अदा करते हैं और अगर बारिश रुक जाती है तो देन आई विल ट्राई टू गो आउटसाइड. सो इट इज़ 5:30 राइट नो. बारिश नहीं रुकी थी, नमाज़ असर अदा की है एंड अभी आई एम प्लानिंग टू कुक सम फूड फॉर माय फैमिली क्योंकि वो बाहर का खाना पसंद नहीं करते हैं. तो आई थॉट के अफ्तारी में उनको थोड़ा सा घर का खाना बना के दिया जाए. तो अभी कुछ चीज़ें यहाँ से परचेज़ की हैं एंड नाउ आई एम कुकिंग फूड फॉर देम एंड आई एम श्योर के वो आज अफ्तार जो है वो इंजॉय करने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाया जाता है. तो आई एम कुकिंग फूड फॉर देम. मिस्र का बादशाह था शाह आसिम का बेटा था सैफ उसका नाम था. उसने जी ख्वाब देखा, ख्वाब के बीच इस झील को भी देखा और मिस्र से यहाँ तक रास्ता भी देख लिया और गरीब बद्री जमाल को भी देख लिया. तो सुबह उठकर उसने अपने बाप से बताया कि ए बाप मैंने रात को एक झील देखा और परी को देखा, परी परेशान हो गया, अब मुझे परी कैसे मिलेगी. उसके बाप ने बोला आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, आप खाकी हैं, वो आग की पैदाइश है, आप मिट्टी की. वो बाप की नाफरमानी से कई साल जमाने घूमता फिरता आखिर नारान में पहुंचा तो 12 साल रास्ते पे लगे थे. उस वक्त यहाँ पे इंसान की आबादी नहीं होती थी. तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिला. उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिली. उसने बोला कि ये सामने वाली जो छोटी पहाड़ है इसी की बेद साइड में एक खेमे की तरह पत्थर है, वो आप बेमौजूद है. उस पत्थर के साथ जाओ और 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो, 40वें दिन के बाद आपको परी का पता चलेगा. उसने जाकर उस पहाड़ के ऊपर 40 दिन का चिल्ला किया. 40वें दिन के बाद 2 जिन्नात उसके कब्जे में आ गए. उन जनातों ने सलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आए. वो किसी को नजर नहीं आता, उसको सब कुछ नजर आता है. क्यों? कि उसने सलेमानी टोपी पहनी है. तो 7 उसकी सहेली थी और 8वीं वही मलका बदर जमाल परी जो ख्वाब में मिली थी. उस झील में नहाने के लिए आई कोए काफ से. कोए काफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ रशिया में. आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो उस झील में नहाना शुरू कर दिया. बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्होंने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया. दूसरी सहेली लिबास पहन कर चला गई तो बदर जमाल अकेली रह गई, वो जा नहीं सकती थी. शहजादे ने उसको अपनी चादर पहना कर नीचे नारान की तरफ ले आया, पर जो थे वो छुपा लिए. जब नारान में पहुंचा तो दूसरी सहेलियों ने जाके देव सफेद को बताया. देव सफेद जो था परी काशक के मजाद मालक था कि परी हमसे जुदा हो गई है, पता नहीं है झील के अंदर डूब के मर गई या किसी चीज ने खा ली. बाहर की बात नहीं बताई कि शहजादा ले गया. देव ने आकर गुस्से के साथ अपनी एड़ी लगाकर वहां से सारे झील को तोड़ दिया, खारिज कर दिया कि शायद मेरी परी का पता चले. तूफान गया नारान के पास तो परी और शहजादे दोनों ने दुआ मंगी कि अल्लाह मैं बचा, तूफान आ गया. अल्लाह की कुदरत से एक सुरंग बन गया, दाएं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाएं साइड से भी परी और शहजादा दोनों बच गए. सुरंग अब भी मौजूद है नारान में. सैफर मलूक होटल से 5 मिनट का रास्ते ही जाके देख सकते हैं. और देव ने गुस्से के साथ यहाँ से एक और छलांग लगाई तो दवा सही में लगा, देव का सांस चला गया परी के सदमे से. परी को लेकर शहजादा शहर में सर को चला गया. शहजादे का नाम था जी सैफ.
मलूक तब कहते हैं कि यादवों की मुलाकात हुई है, इसलिए इस झील का नाम मशहूर किया सैफर मलूक झील और उसकी दास्तान बनी है। फिर इसके ऊपर लोग आने शुरू हुए। उस वक़्त इंसान की आबादी यहाँ पे नहीं थी, को काफ परेस्तान था, परियों का देश था। और झील की जो हाइट है 10,500 है, उसके ऊपर एक पहाड़ है, उसको मलका पर्वत कहते हैं, उसकी 17,500 हाइट है। लेकिन आज दिन तक उस पहाड़ी को किसी ने सर नहीं कर पाया। उसके अंदर सोने की मईसत है, परियां इबादत करती हैं, जो बंदा भी जाते है उसको गिरा देती हैं। 98 का वाक्य राशिद भट्ट लाहौर का एक बंदा था, वो कहता था कि मैंने उस पहाड़ को सर करना है। लोगों ने उसको मना भी किया था लेकिन वो चला गया। जाते हुए रास्ते में गिर के मर गया था। 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है मकामी लोगों को, उन्होंने उठा के नीचे भेजे। चांदनी रात होती है, चांद की जब 14वीं रात हो तो परियां उतरती हैं झील में, लेकिन उन लोगों को नजर आती हैं कि जो चिल्ले गुजार हो या इबादत करने वाला बंदा। आम बंदा तो यही देख सकता है कि इन पहाड़ों का अक्स उसमें आ जाता है। बहुत ही खूबसूरती होती है, दिन जैसी रोशनी होती है, लोग आते हैं नज़ारे करते हैं। और आज दिन तक झील की गहराई का अंदाज़ा भी किसी ने नहीं ले सकते। एक अंग्रेज आया था, उसने 5 मन रस्सी लाई थी, उस वक्त गाड़ियाँ नहीं चल रही थी खच्चरों पे। आगे 10 किलो कलवा बनकर उसके दरमियान में कश्ती के थ्रू डालते रहे, रस्सी चलते चलते ख़त्म हो चुकी, लेकिन उसकी गिराई का अंदाजा नहीं कर सकिया। 5.5 किलोमीटर इर्द गिर्द 600 कनाल रकबे में वो सारा झील है, उसकी गिराई का कोई अंदाजा नहीं है। स्टोरी खत्म। थैंक यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी तैयार हो चुकी है और अभी इफ्तार टाइम भी हो चुका है। मस्जिद में भी जाएंगे हम, दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बनके मेहमान नूरे रमजान।